दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से हम लोग ये देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई कैसे किया जाता है। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले हमें लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस को कैसे अप्लाई किया जाता है, और अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। दोस्तों आज के हमारे ये वीडियो लर्निंग लाइसेंस बनाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में दिखाया है, जिसमें आपको दोस्तों फोटो सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करते हैं, फॉर्म वन को किस प्रकार से फिल किया जाता है, सारे चीज़ हमने दोस्तों कवर किया है। अगर आप ये वीडियो हमारे देख लेते हैं कम्प्लीट, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आने होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, parivahan.gov.in। आने के बाद यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, तो आपको यहाँ मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। फिर से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने एक नया पेज आएगा और यहाँ पर आपको जनरल रहने देना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद सारथी पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट विद सारथी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेट सिलेक्ट रहेगा, उसे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे में आपको शो हो रहा होगा आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करके अपना आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना आरटीओ सिलेक्ट कर लेते हैं। आरटीओ सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा दोस्तों नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम भरना है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर दोस्तों आपका मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो आपको मिडिल नेम वाला कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। अगर तीनों है तो तीनों में डालना है, अगर सिर्फ फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में ही आपको डालना है। फिर उसके नीचे में दोस्तों शो हो जाता है रिलेशन, तो आप यहाँ से आप अपना रिलेशन टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलेशन में दोस्तों 4 टाइप के रिलेशन है, फादर, मदर, हस्बैंड, गार्जियन, इनमें से आप जिस किसी का भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम फादर का देना चाहते हैं, तो हम फादर पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों नाम डालने के लिए यहाँ पर फादर के फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर उस टाइप के है तो उसी टाइप से यहाँ पर डालेंगे। हमारे केस में यहाँ पर फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, तो हम तीनों में डाल देते हैं। हमने डाल दिया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके फिर से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने आपका नाम शो हो रहा होगा, यही नाम आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट करके और लर्निंग लाइसेंस पर प्रिंट करके आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका जेंडर होगा। तो हम यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिए। उसके नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके नीचे में आपसे ये पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके नीचे में यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया डाल देंगे, अगर नहीं आता है तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे, अगर इंडिया आ जाता है तो इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने दूर तक पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हर तरह के डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक उसके नीचे ब्लड ग्रुप शो होता है, तो आप यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप डाल देंगे। अगर ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ब्लड ग्रुप को जाँच करवा के और अपना ब्लड ग्रुप भी डाल दें इसमें। तो चलिए इतना कुछ फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। फिर से स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा लैंडलाइन नंबर। अगर दोस्तों आपके घर में कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो इसको भी ऐसा ही छोड़ देंगे। और उसके नीचे में शो हो रहा है ईमेल आईडी, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो उसे भी आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके नीचे में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर शो होता है, वो मोबाइल नंबर को उसी प्रकार से रहने देंगे, उसे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और उसके नीचे में आपको शो हो रहा होगा इमरजेंसी मोबाइल नंबर,
अगर आप कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी का भी डाल सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड का या फैमिली का किसी का भी इमरजेंसी में डाल सकते हैं। उसके नीचे में आपको शो हो जाता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अगर आपके चेहरे पर कोई मार्क्स है, सर पर कोई मार्क्स है, तो आप यहाँ पर डाल देंगे मार्क्स 1 में और मार्क्स 2 में। फिलहाल अगर कोई मार्क्स नहीं है तो इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों इतना कुछ डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे और यही एड्रेस दोस्तों आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होकर आएगा। दोस्तों हमारा स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट है बिहार, यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट है और यहाँ से हम अपना सिटी ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे जिसको असेंबली भी कहा जाता है। तो हम यहाँ से अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है आप गांव के रहने वाले हैं या शहर के। अगर गांव के हैं तो विलेज सिलेक्ट करेंगे, शहर के हैं तो टाउन सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों हम गांव के रहने वाले हैं तो हम यहाँ पर विलेज सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना गाँव का नाम, विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको हाउस डोर फ्लैट नंबर डाल देना है। अगर नहीं है तो आप अपना गांव का नाम लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आपके हिसाब से अगर सही फिल किया हुआ है तो इसको रहने देंगे, अगर कोई गलत है तो इसमें आप चेंजेस कर देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों हमारा ये नीचे वाला सही है, हमारा असेंबली का नाम और हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम यहाँ पर शो हो रहा है तो हम इसको रहने देंगे इसी प्रकार से। लेकिन पहले वाले में, इस वाले में कॉलम में दोस्तों हम अपना डाल देंगे और नीचे वाले कॉलम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। उसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस एड्रेस पर कब से रह रहे हैं तो हम यहाँ पर डाल देंगे हम अपना जन्म से रह रहे हैं तो हम यहाँ पर 20 ईयर्स डाल देंगे। दोस्तों अगर आप जन्म से रहते होंगे दोस्तों तो आप कितने साल के हुए वो यहाँ पर डाल देंगे, आप यहाँ पर मंथ भी डाल देंगे, नहीं तो इसको अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसी प्रकार से रहने देंगे। उसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो जाता है परमानेंट एड्रेस। अगर दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और इसे टिक कर देंगे। तो चलिए हम इसे टिक कर देते हैं, हमारा वही एड्रेस नीचे में कॉपी हो जाएगा। दोस्तों कॉपी हो जाने के बाद बिल्कुल आपको अच्छे प्रकार से चेक करते हुए स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर व्हीकल सिलेक्ट करना है कि आप कौन से व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस जगह में क्लिक करके और सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर का बनाना है तो हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है जो पहले के बाद दूसरा वाला शो हो रहा है, मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MCWG, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। उसके नीचे में शो हो रहा है लाइट मोटर व्हीकल तो यहाँ पर क्लिक करके इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला टिक पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोनों में टिक करके और ओके कर देना है। ओके करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपना ड्राइविंग कोई ड्राइविंग स्कूल से सीखे हैं तो आप इस बॉक्स को चेक कर दीजिएगा। अगर सीखे होंगे तो चेक करने के बाद आप उस ड्राइविंग स्कूल का डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर आपने खुद से ही सीखा है या अपने फैमिली मेम्बर में किसी से सीखा है तो आपको इस बॉक्स को बिल्कुल उसी प्रकार से रहने देना है, उसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और दोस्तों उसके नीचे में आपको शो हो जाता है यहाँ पर डिक्लेरेशन कि आपके एक्सीडेंटल डेथ के बाद आपके ऑर्गन को आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस नो सिलेक्ट करेंगे। ऑर्गन को डोनेट नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे और नो पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर शो होगा कि आप यही मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। फिर से आपके सामने आएगा, फिर यहाँ आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करते हैं आपके सामने फिर एक पॉपअप आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर से हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें एक रेफरेंस स्लिप जनरेट होकर मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप इस स्लिप को यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसे PDF में फ़िलहाल के लिए सेव कर लेते हैं ताकि हमारा बाद में काम है। तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रहा है तो हम यहाँ PDF पर क्लिक करके और इसे सेव कर लेते हैं अपने गैलरी में। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर हमने PDF में सेव कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो होगा। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन शो होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल। उसके नीचे में दोस्तों आपको शो हो रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का पॉपअप आ जाएगा, तो आप यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हमारा ये हो गया है, तो अब हम यहां पीडीएफ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, वो डाउनलोड हो चुका है और इस टाइप का दिखता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर रहेगा, आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, परमानेंट, प्रेजेंट, सब एड्रेस यहाँ पर आता है। और नीचे में दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया होगा, इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको यस नो करना है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। इसको यस नो कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर करना है, जो पर्सनल आप सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हमने इसे डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसे प्रिंट कर लेना, नहीं तो किसी साइबर कैफे में जाके आप इसे प्रिंट करा लेना। दोस्तों जब आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए लेके जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों कैंसिल हो जाने के बाद फिर से दोबारा कैसे लॉगिन करते हैं आगे मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। फिलहाल के लिए हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट करके इसको यस नो का कैसे टिक लगाते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन को डाउनलोड करने के बाद आपका पेज लॉग आउट हो गया होगा। तो लॉग आउट हो जाने के बाद फिर से दोस्तों अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको इसी पेज पर आने होंगे, parivahan.gov.in। आने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों शो हो रहा होगा ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर मोर पर आपको क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाने के बाद आपके सामने ये वाला एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपने अप्लाई करते वक्त डाला था वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है और ये वाला कैप्चर इस जगह में फिल कर देना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर जो आपने रेफरेंस स्लिप को डाउनलोड किया था उसी रेफरेंस स्लिप में रहता है, नहीं तो आपके मोबाइल पर एसएमएस गया होगा उसी एसएमएस में होगा, तो उस एसएमएस में से लेकर यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट से डाल के सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यही वाला पेज पर दोस्तों हम लोग लॉग आउट किए थे अपने ये वाले फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए, ये वाला। उम्मीद है कि आप डाउनलोड प्रिंट कर लिए होंगे। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से उसको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से एकदम देखते रहिए। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पर शो होता है दोस्तों हमने पहले वाला सेक्शन को कम्प्लीट कर लिया है, अब हम दूसरे वाले सेक्शन को कम्प्लीट करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको यहाँ सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इस जगह में प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ शो होगा, फिर यहाँ आपको सबमिट कर देना है। इस पर क्लिक करके सबमिट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपने जो जो व्हीकल सिलेक्ट किए होंगे उन व्हीकलों का नाम और आपका डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो सिंपली हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे फिर से वही पेज आएगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट में इस जगह में क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि आप पहले क्या अपलोड करना चाहते हैं। तो हम एज प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं तो हम एज प्रूफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने नीचे शो हो जाता है प्रूफ, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। दोस्तों हम अपना एज प्रूफ में पेन कार्ड देंगे, तो हम यहाँ पर पेन कार्ड सिलेक्ट कर लिए। अब स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट नंबर दे देंगे, उसके बाद यहाँ नीचे अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चॉइस फाइल लिखा हुआ है और यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ है, तो आपको पहले चॉइस फाइल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों कुछ टर्म्स कंडीशन बताए हुए हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें जो जो फाइल सपोर्ट करेगा JPEG, JPG, PDF मैक्सिमम 500 KB के अंडर होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट। तो हमारे दोस्तों डॉक्यूमेंट 500 KB के अंदर है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहें तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ोटो सिग्नेचर और
डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाते हैं, हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो चलिए हम यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट जो इस फाइल पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा गैलरी पर ये जाएगा, गैलरी का यहाँ फाइल शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं भी आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप चूज फाइल पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करते ही फिर से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके एज प्रूफ अपलोड हो गए हैं। तो आपको यहाँ दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक कर देना है इस जगह पर। चलिए हम यहाँ कन्फर्म कर देते हैं। दोस्तों कन्फर्म करने के बाद फिर से आपको वही पेज पर लेके जाएगा, फिर से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और इस डॉक्यूमेंट्स वाले बॉक्स को ऊपर क्लिक करेंगे। हमने दोस्तों एज प्रूफ अपलोड कर दिया, अब एड्रेस प्रूफ हम अपलोड करेंगे। उसके लिए एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ प्रूफ पर क्लिक करके आप इनमें से क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं अपने एड्रेस प्रूफ में, पासपोर्ट, एफिडेविट, नोटरी, वोटर आईडी, एलआईसी पॉलिसी, आधार कार्ड। आधार कार्ड दोस्तों वही चलेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ होगा, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीएसएनएल वगैरह, राशन कार्ड, बहुत कुछ इसमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ से अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। और दोस्तों आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डाल सकते, पता नहीं क्यों डॉक्यूमेंट नंबर नहीं फिल होता है। आपको ऐसे ही छोड़ देना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। और ये भी दोस्तों 500 केबी में होना चाहिए, जेपीईजी, जेपीजी, पीडीएफ एंड मैक्सिमम फाइल साइज 500 केबी। दोस्तों एक बात हमेशा आप याद रखें कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई भी फाइल आपको अपलोड नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, वापस हमारे गैलरी में जाएगा। गैलरी में जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से लेकर हम लोग अपलोड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करते ही दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, जो हमने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दिए हैं वो हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग वहीं पर डॉक्यूमेंट वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से आपको फॉर्म 1 फिजिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करने हैं, जो आपने डाउनलोड किया था उसी को अपलोड करने हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्म 1 सिलेक्ट कर लिया, फिर प्रूफ पर क्लिक करेंगे, इसमें भी फॉर्म 1 सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ कहीं भी गैलरी में होगा वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। इसमें हमें ये बता रहा है कि फाइल साइज 1 MB का है, मतलब हमें 500 KB के अंदर ही फाइल साइज रखना है। दोस्तों इन सब पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाते हैं आप वहाँ से देख लेना। फिलहाल के लिए ये फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन आप किस प्रकार से फिल करेंगे ये ज़रा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर दोस्तों हमने फिल करके रखा हुआ है। पहले वाले में नो लगाना है, फिर दूसरे वाले में आपको यस लगाना है, उसके बाद सारे में नो लगा देना है और इस जगह में दोस्तों आपको सिग्नेचर कर देना है। ध्यान से देख लीजिए, पहले वाले में आपको नो करना है, दूसरे वाले में आपको यस करना है, उसके बाद सारे में नो नो कर देना है। दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सवाल पूछा जाता है आपसे कि आप बराबर देख सकते हैं दोनों आँखों से, फिर आपके कोई एक्सीडेंट में हाथ पैर गंवाए तो नहीं है, मिर्गी का पेशेंट तो नहीं है, यही सब वगैरह वगैरह सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने पहले वाले में नो कर दिया, दूसरे वाले में यस कर दिया, बाकी सारे में नो करके और इस जगह में दोस्तों हमने सिग्नेचर कर दिया है अपना। जो भी आपका पर्सनल सिग्नेचर होगा आप यहाँ पर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 को फिल करेंगे। तो चलिए हम इसे अपलोड करते हैं। दोस्तों हमारा फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन का साइज़ ज़्यादा था तो हमने फटाफट से कम कर लिया है। फिर से चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, हमारा फाइल खुल जाएगा। जहाँ कहीं भी दोस्तों गैलरी में है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करते ही फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ आपको कन्फर्म कर देना है। दोस्तों कन्फर्म कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होगा ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोड सक्सेसफुली, मतलब कि हमारा सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, आपके सामने शो हो रहा होगा दोस्तों अपलोड फोटो सिग्नेचर। तो अब हमें फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और नीचे आने के बाद जगह में दोस्तों आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपके सामने
इसके भी टर्म्स कंडीशन दिए हुए हैं सिग्नेचर के लिए, आप यहाँ पर देख लेना दोस्तों। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कंप्लीट, हमारे उस वीडियो को देखकर बना सकते हैं और बनाने के बाद बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एमएम में, इंचिस में, पिक्सल में दिया हुआ है, तो मैंने उसी प्रकार से उस वीडियो में आपको बताया है और आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपलोड फ़ोटो करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करते हैं। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपके गैलरी खुल जाएगा, जहाँ कहीं भी फ़ोटो होगा आप वहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, अब हम सिग्नेचर के लिए ब्राउज पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फ़ोटो सिग्नेचर दोनों को ब्राउज करके सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। ये वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा फ़ोटो हमने बनाया है और सिग्नेचर भी, और बना के हमने यहाँ पर फाइनली अपलोड कर दिया है। सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। चलिए हमने इस पर क्लिक किया, फिर हम यहाँ ओके करेंगे। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा इंसर्ट सक्सेसफुल, मतलब हमारा ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। तो अब दोस्तों हमें फ़ी पेमेंट करना होगा, तो हम यहाँ फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये आपको सीधा पेमेंट गेटवे पर लेके चले आएगा। आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 740 रुपये का फ़ी पेमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों मैं बिहार स्टेट से हूँ तो हमारे वहाँ लर्निंग के लिए 740 रुपये लगते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। तो दोस्तों फ़ी पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम। उसका नीचे में दोस्तों आपको ये वाला कैप्चर शो हो रहा होगा, इस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों पे नाउ पर क्लिक करते ही हमारा सामने फिर से एक नया पेज आ गया, और यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे प्रकार से चेक कर लेना है कि आपने जो जो चीज़ फिल किया है वो सही है कि नहीं। जैसे कि आपने कौन कौन सा गाड़ी का सिलेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल विथ गियर सिलेक्ट किया है, उसका हमें 150 150 देने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा लाइट मोटर व्हीकल, उसका भी 150 150 देने होंगे, टोटल 740 रुपया है। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स को चेक कर देना है आपको। चेक करने के बाद यहीं पर दोस्तों आपको शो होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक पेज आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना होगा पीरियड ईयर। तो चलिए हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ईयर सिलेक्ट करेंगे 2022 2023, उसके बाद वाला पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हाफ ईयरली सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ ईयरली सिलेक्ट कर लिया। फिर से उसके बगल में एक बॉक्स आ गए, उसके ऊपर में भी क्लिक करना है, और यहाँ पर शो हो रहा है अप्रैल से सितंबर सिलेक्ट करना है या अक्टूबर से मार्च। दोस्तों हमें अक्टूबर से मार्च हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर अक्टूबर से मार्च को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों, ई पेमेंट, पेमेंट ओवर द बैंक। मतलब कि ई पेमेंट सिलेक्ट करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों आप SBI के बैंक में भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। उसके लेकर आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर ई पेमेंट करना है, तो हम ई पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं कि आप कौन सा बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है सबमिट का बटन, इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा SBI बैंक के पेमेंट गेटवे पर लेके चले आया है, और उससे पेमेंट करेंगे तो हमारा 0 चार्जेस लगेगा, और अदर बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं दोस्तों तो 6 रुपये का चार्ज लगेगा, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 12 रुपये का चार्ज लगेगा। तो हम SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना user ID देंगे, पासवर्ड देंगे, और फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पर सारा डिटेल्स आपके सामने शो हो रहा है, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक पेज आपके सामने आता है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP को इस जगह में डाल देना है, उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है।
दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहां पर दोस्तों हमसे ये बोल रहा है क्लिक हियर टू रिटेन फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार, मतलब कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से उसी वेबसाइट पर चले जाएंगे parivahan.gov.in के। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने फिर से एक दूसरा पेज आ गया। यहाँ पर दोस्तों हमें शो हो रहा है क्लिक हियर टू प्रिंट रिसीप्ट, जो हमने पैसे पेमेंट किए हैं उसके रिसीप्ट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, ये वाला कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप दोस्तों कैप्चर डाल के प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड पॉपअप आएगा। तो हम यहाँ अपना रिसीप्ट को पॉपअप पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों हमारा रिसीप्ट डाउनलोड हो गया, आप यहाँ से पीडीएफ पर क्लिक करके व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पेमेंट रिसीप्ट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों पेमेंट रिसीप्ट कुछ इस टाइप के होता है, इसमें आपके एप्लीकेशन के सारे डिटेल्स लिखे हुए होते हैं, इसको आपको संभाल के रखना है। और यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, तो हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे पहले से दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल रहेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप फिर से अपने पेज में लॉगिन हो जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और आपके एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस RTO लेवल। और यहाँ पर दोस्तों आप इधर करके देखेंगे तो आपको शो होगा कि काउंटर नंबर 5, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन काउंटर नंबर 5 पर चला गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने सारे चीज़ कंप्लीट कर लिया है इस जगह में। दोस्तों अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने होंगे RTO विजिट करने के लिए, तो आपको उसी पेज पर आ जाना है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस और यहाँ मोर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आप स्टेट फिल किए होंगे पहले से वही स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने लाइसेंस मेनू आ जाएगा, लाइसेंस मेनू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट, इसका ऊपर में आपको क्लिक करना है। फर्स्ट में ही आपको शो होगा LL टेस्ट स्लॉट बुक, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर देना है और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फिल किया था वही यहाँ देना है कैलेंडर से। और यहाँ पर ये वाला कैप्चर यहाँ पर फिल करके दोस्तों नीचे में आपको सबमिट शो हो रहा होगा, यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पर शो हो रहा है प्रोसीड टू बुक स्लॉट, तो इसके ऊपर में क्लिक करना है प्रोसीड टू बुक पर। फिर आप यहां पर कैलेंडर इंडिकेटर देख सकते हैं, हरे वाला अवेलेबल है, लाल वाला नो अवेलेबल है, ब्लू वाला हॉलीडे है। तो यहां पर हमारे सामने कैलेंडर भी शो हो जाता है। तो हम यहां क्या करेंगे कि कैलेंडर से जो भी डेट को आपको जाना है RTO एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों आपके सामने टाइम फ्रेम आ जाएगा कि आप कौन से टाइम में लेना चाहते हैं। हमारा पास यहाँ 10 से 12 और 12 से 2:30 के टाइम शो हो रहा है, तो आप यहाँ से अपना जो भी टाइम में लेना चाहते हैं आप यहां पर टाइम वाले सेक्शन पर आप अवेलेबल सीट देख रहे हैं वहां पर टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद यहां पर बुक स्लॉट पर क्लिक करेंगे। बुक स्लॉट पर क्लिक करते ही जो नंबर आपने दिया था दोस्तों अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ये वाला नंबर, इस पर एक OTP जाएगा। OTP को यहां डाल के कन्फर्म टू बुक स्लॉट पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म टू बुक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रिंट पर क्लिक करके और इसे प्रिंट कर लेना है। आप तो चाहें तो बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं, फिलहाल हमने प्रिंट कर लिया। फिर से आपको मोर पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ लाइसेंस मेनू आ जाएगा। लाइसेंस मेनू आने के बाद नीचे में आपको शो हो रहा है अदर्स, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ अपने एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो जो चीज़ आपने दोस्तों डाउनलोड कर लिया है उसे छोड़ देंगे, जो चीज़ नहीं डाउनलोड किया है फॉर्म में उसे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम यहाँ आपको एक एक करके बता देते हैं। पहले वाला फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे इसके ऊपर में क्लिक करके। उसके बाद ये प्रिंट फॉर्म 1 जो कि हमने पहले ही डाउनलोड कर लिए थे, इसमें हमें टिक मारना होता है। और यहाँ पर प्रिंट फॉर्म 1A, तो इसे दोस्तों डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ये डाउनलोड होता भी नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओके कर देंगे क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है
प्रिंट एक्नोलॉजमेंट स्लिप। अगर दोस्तों आपने पहले ही इसे डाउनलोड किया है तो इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। उसके ऊपर मैं क्लिक करने के बाद उसी पेज पर आ जाएंगे, प्रिंट एक्नोलॉजमेंट पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर PDF में सेव कर लेना होगा। चलिए हम सेव कर लेते हैं। फिर से बैक आएंगे, प्रिंट स्लॉट एक्नोलॉजमेंट इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे। ये दोस्तों आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में आपके सामने नीचे यहाँ पर शो होता है प्रिंट पेमेंट एक्नोलॉजमेंट, मतलब कि पेमेंट रिसिप्ट। तो दोस्तों ये हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसे भी हमें डाउनलोड करना है अगर आपने नहीं किया होगा तो। तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, चलिए हम यहाँ पर बैक जाते हैं और बैक आने के बाद फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे, ड्राइवर लर्नर लाइसेंस। फिर यहाँ मोर पर क्लिक करके आपके सामने लाइसेंस मेनू आ जाएगा। आपको यहाँ पर लाइसेंस मेनू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो फी पेमेंट यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर में हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेरीफाई पेमेंट स्टेटस इसके ऊपर में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको शो होगा ई पेमेंट, ई पेमेंट पर आपको क्लिक करना है और उसमें एक ऑप्शन शो होगा प्रिंट रिसिप्ट, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ये वाला कैप्चर इस जगह में फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे इस बॉक्स को चेक करेंगे, ये वाला कैप्चर ये पीली वाली पट्टी में फिल करेंगे और यहाँ प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार के पेमेंट रिसिप्ट दिखता है दोस्तों। तो आप जो भी आपके पास फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं पहले से, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेंगे, नहीं तो किसी साइबर कैफ़े में जाके आपको प्रिंट करा लेना है। तो दोस्तों जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो फॉर्म 1, फॉर्म 2 और दोस्तों जो एक्नोलॉजमेंट स्लिप था, पेमेंट स्लिप था और साथ ही दोस्तों जो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था वो सारे का प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट निकालने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनके भी जीरोक्स निकाल लेने हैं आपको और ओरिजिनल भी साथ में लेकर दोस्तों आपको RTO विजिट कर लेना है जिस डेट का आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।